यार तो एनटीए ने सबसे पहले बोल दिया था कि वो इस साल सोच रहे हैं कि हाइब्रिड मोड में क्यों ना एग्जाम्स लगाए जाए और हाइब्रिड में एग्जाम लगाने के लिए वो देखेंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन से सब्जेक्ट्स में और केवल उन्हीं को हाइब्रिड मोड में रखा जाएगा ऐसे सब्जेक्ट जिनमें डेढ़ लाख रजिस्ट्रेशन क्रॉस होंगे उनको हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराया जाएगा जनरल टेस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी पोलिटिकल साइंस अगर हम लैंग्वेजेस देखें तो लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश हिंदी ये दोनों लैंग्वेजेस जो है हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराने के चांसेस सबसे ज्यादा है हाइब्रिड मोड में फिर प्रैक्टिस भी वैसे ही होती है आप लोगों को एक्चुअली अपना पेपर सामने रखना होता है और ओ एम आर शीट सामने रखकर और फिर प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कुछ ऐसी बुक्स जो कि आपके पूरे डोमेन का ध्यान रख लेगी जी हाँ मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपकी गाइड की जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स आपको पेपर्स के साथ में मॉक पेपर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप हाइब्रिड मोड में सॉल्व कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग